हे एवरीवन, माय नेम इज सोमनाथ, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिको स्टाइल गाइस। आज की वीडियो है वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर, H&M फ्लैनल्स एंड ओवरशर्ट्स। जितने भी डिफरेंट टाइप के ओवरशर्ट्स होते हैं उनमें एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है, उनकी साइजिंग वगैरह कैसी होती है एंड उन सब में से आपके लिए कौन सा सही रहेगा, इन सभी के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो कंसीडर सब्सक्राइब। वेल गाइस, सबसे पहले है H&M के फ्लैनल शर्ट्स जो कि है रिलैक्स फिट में। फ्लैनल्स जो होते हैं गाइस, दे आर वार्डरोब एसेंशियल। पिछले एक डेढ़ साल से ये काफ़ी ट्रेंड में आ गए हैं। इसे आप इजीली लेयरिंग के लिए यूज़ कर सकते हो एंड ये बहुत ही स्टाइलिश भी दिखते हैं। नाउ H&M पे फ्लैनल्स के उतने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, बट जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें से ये जो पर्टिकुलर पीस है ये मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। कलर कोऑर्डिनेशन बहुत ही मिनिमल रखा गया है, ओवरऑल लुक काफ़ी अच्छा है एंड इट इज़ मेड फ्रॉम 100% कॉटन। यूजुअली गाइस, जो फ्लैनल्स का थिकनेस होता है वो आपके नॉर्मल शर्ट से बस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इस वाले फ्लैनल शर्ट में भी जो थिकनेस है इसके फैब्रिक का वो आपके नॉर्मल शर्ट से बस थोड़ा ही ज़्यादा है, इसलिए प्रॉपर विंटर्स के लिए ये उतने अप्रोप्रिएट नहीं होते। हाँ, अगर आप इसे किसी थिक फैब्रिक वाले हुडी के ऊपर लेयर कर रहे हो, या फिर अगर किसी वूल वाले टर्टलनेक के ऊपर इसे लेयर कर रहे हो, या फिर अगर आप इसे एक मिड लेयर की तरह यूज़ कर रहे हो, मतलब इसके ऊपर आप एक और जैकेट ऐड कर रहे हो, वैसे सीन्स में ये काम आ जाएगा। बट अगर आप इसे सिर्फ एक टी शर्ट के ऊपर लेयर करने वाले हो देन ये कोई काम नहीं आएगा। नाउ गाइस, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको फ्लैनल्स की तरफ सिर्फ दो ही केसेस में जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर वन, अगर आपके एरिया में ठंड उतना नहीं पड़ता देन आप फ्लैनल्स की तरफ जा सकते हो, या फिर ऑप्शन नंबर टू, आपको अपने वार्डरोब में किसी कोई लेयरिंग वाला आइटम ऐड करना है जिसे आप डिफरेंट सीजन्स में पहन सको। फ्लैनल्स को आप फॉल के टाइम पे पहन सकते हो एंड स्प्रिंग के टाइम में भी, जब ठंड थोड़ी सी कम होगी। एंड अगर आप स्पेशली कॉलेज में हो तब भी मैं बोलूँगा फ्लैनल्स रहने दो, क्योंकि इस प्राइस रेंज में, मतलब 2000-2200 की रेंज में आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, मतलब बहुत ही थिक फैब्रिक वाले ओवरशर्ट्स मिल जाएंगे एंड दूसरे जैकेट्स भी मिल जाएंगे जो आपको ठंड से अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे। फिटिंग के बारे में अगर मैं बात करूँगा, इसे मैंने ऑर्डर किया था 38 साइज़ में एंड इसका जो ओवरऑल फिटिंग है दैट इज़ एकदम परफेक्ट। जैसा एक रिलैक्स फिट शर्ट को होना चाहिए वैसा ही है ये, बॉडी से थोड़ा सा लूज होकर रहता है एंड स्लीव से भी। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ ओवरशर्ट। बेसिकली ये फ्लैनल्स का ही एक अपग्रेडेड वर्जन होते हैं। इसमें गाइस आपको चेक एंड प्लेन दोनों के ऑप्शंस मिल जाएंगे एंड इसमें डिफरेंट फैब्रिक्स भी अवेलेबल होते हैं। जैसे कि ये जो चेक्ड वाला ओवरशर्ट है इसमें जो फैब्रिक यूज़ किया गया है दैट इज़ कॉटन, बहुत ही थिक फैब्रिक है। एंड ये जो प्लेन वाला ओवरशर्ट है इसका जो फैब्रिक है दैट इज़ पॉलिएस्टर। इसके अंदर की तरफ फ्लीस यूज़ किया गया है और ये बॉडी को बहुत ही ज़्यादा गर्म रखता है कंपेयर टू दी अदर वन। चेक्ड ओवरशर्ट जितने भी होते हैं ये कैजुअल स्ट्रीट वेयर आउटफिट्स में बहुत ही अच्छे दिखते हैं। इसे आप कॉलेज में पहन के जा सकते हो, इसे आप पार्टीज में पहन सकते हो एंड आउटिंग्स वगैरह पे भी। पर जो प्लेन वाले ओवरशर्ट्स होते हैं वो कैजुअल लुक में भी अच्छे दिखते हैं एंड इसे आप थोड़े से स्मार्ट एंड क्लासी तरीके से भी लेयर कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज़ सजेस्ट करूँगा गाइस, जब भी आप ओवरशर्ट पिक कर रहे हो उसका जो पूरा नाम होता है एंड उसका जो डिटेल्स वाला सेक्शन होता है उसमें कौन से फैब्रिक यूज़ किए गए हैं वगैरह वगैरह, पे अटेंशन टू दैट, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि वो पर्टिकुलर ओवरशर्ट आपको चाहिए या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिर्फ रिलैक्स फिट ओवरशर्ट लिखा है उसमें नॉर्मल जैसा फैब्रिक होगा, अगर फ्लीस ओवरशर्ट लिखा है उसके अंदर आपको फ्लीस वाली लाइनिंग देखने को मिलेगी एंड अगर पैडेड ओवरशर्ट लिखा है उसके अंदर आपको पैडेड जैकेट जैसी लाइनिंग देखने को मिलेगी। बेसिकली जो नॉर्मल वाले रिलैक्स फिट ओवरशर्ट्स होते हैं ये उन एरियाज़ के लिए सूटेबल है जहाँ पे टेम्परेचर 23 या 24 डिग्री से नीचे नहीं जाता। पर अगर आपके एरिया में टेम्परेचर 20 डिग्री तक चला जाता है तो फिर ये जो फ्लीस वाला ओवरशर्ट है ये आपके काम आ जाएगा। बट अगर आपके एरिया में टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा ड्रॉप होता है देन आपको किसी डिफरेंट टाइप के ओवरशर्ट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। नाउ रिलैक्स फिट ओवरशर्ट्स में करेक्ट साइज़ पिक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको स्ट्रीट स्टाइल ज़्यादा पसंद है, अगर आपको लूज फिटिंग कपड़े ज़्यादा पसंद है देन मैं सजेस्ट करूँगा गो विथ रेगुलर साइज़। बट अगर आपको स्मार्ट फिट ज़्यादा पसंद है, आप चाहते हो कि जो ओवरशर्ट्स हैं वो आपको अच्छे से वेल फिटेड आए, देन आप जा सकते हो एक स्मॉलर साइज के साथ। इन दो पीसेस के अलावा आपको और भी कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे रिलैक्स फिट ओवरशर्ट्स में। लाइक यू कैन चेक दिस पर्टिकुलर पीस, इसका ओवरऑल लुक मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और यू कैन गो फॉर दिस वन, बहुत ही यूनिक सा पैटर्न दिया गया है इसमें और कलर भी बहुत ही सटल है। देन अगली कैटेगरी है पैडेड जैकेट, जो कि है रिलैक्स फिट में। जैकेट जो होते हैं गाइस वो बेसिकली कॉम्बिनेशन है शर्ट एंड जैकेट का, एंड इनका नेम जिस टाइप का है ये क्लोथिंग आइटम भी बिल्कुल वैसा ही है। अंदर की तरफ पॉलिएस्टर की लाइनिंग एंड पैडिंग की गई है एंड इसका जो सामने वाला पार्ट है उसमें 100% कॉटन का यूज़ किया गया है। टू बी ऑनेस्ट गाइस, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का फैब्रिक है, कलर कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से किया गया है एंड जो कलर्स यूज़ किए गए हैं, जो पैटर्न जिस टाइप का है वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। देन इसके जो पॉकेट्स एंड बटन्स हैं वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। ये वाला जो पर्टिकुलर जैकेट है ये उन सभी जगहों के लिए परफेक्ट है जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है। अगर आप लेह लद्दाख जिस एरिया में रहते हो वहाँ पे भी ये काम आ जाएगा। ये इतने थिक एंड वार्म है पर इसकी जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए आई सजेस्ट कि अगर आपको ओवरशर्ट्स बहुत ही पसंद है एंड आपका बजट अलाउ कर रहा है देन ओनली गो फॉर इट। बट अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है एंड आपको इसी टाइप के पैडेड वाले ओवरशर्ट्स चाहिए देन आप ये पर्टिकुलर पीस चेक कर सकते हो। यूजुअली H&M के जितने भी ओवरशर्ट्स होते हैं वो बहुत ही मिनिमल दिखते हैं, उनका पैटर्न बहुत ही मिनिमल होता है एंड बहुत ही वर्सेटाइल कलर होती है उनकी। सो यू कैन चेक दिस पर्टिकुलर पीस और यू कैन गो फॉर दिस वन। बहुत ही सिंपल सा पैटर्न यूज़ किया गया है इसमें विच लुक्स वेरी नाइस। फिट की अगर मैं बात करूँगा इसे मैंने ऑर्डर किया था एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में एंड ओवरऑल फिटिंग एकदम परफेक्ट आया है। इसमें गाइज आप अपनी यूजुअल साइज के साथ भी जा सकते हो बट इसके जो स्मॉलर साइज होते हैं वो बहुत ही अच्छे से फिट आते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आपको किस टाइप की फिट चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा गो विथ योर स्मॉलर साइज। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ओवरशर्ट इज ओवरसाइज्ड फिट ओवरशर्ट। इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा ये ओवरसाइज्ड फिट में होते हैं। इस टाइप के ओवरशर्ट्स उनके लिए एकदम परफेक्ट है जिन्हें स्ट्रीट स्टाइल करना बहुत ही अच्छा लगता है। यूजुअली गाइज H&M पे उतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है ऐसे ओवरसाइज्ड फिट वाले, सिर्फ एक या दो है मे बी। सो आई रियली वांट कि H&M अपने कलेक्शन में इस टाइप के ओवरसाइज फिट वाले ओवरशर्ट्स और ऐड करें। नाउ गाइस ये जो पर्टिकुलर ब्लैक एंड व्हाइट ओवरशर्ट है इसका जो ओवरऑल लुक है वो बहुत ही अमेजिंग है, एक रिच लुक है इसमें एंड इसके जो पैटर्न्स है वो बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहे हैं। डिटेल्स के बारे में अगर मैं बात करूँगा इस काफ़ी हेवी ओवरशर्ट है, बहुत ही अच्छा थिकनेस है इसके फैब्रिक में, पॉलिएस्टर यूज़ किया गया है इसके पूरे बॉडी में। बट मुझे ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा टू बी ऑनेस्ट जब ये ओवरशर्ट डायरेक्टली स्किन से टच होता है, मतलब जब आप सिर्फ एक टी शर्ट के ऊपर इसे लेयर करोगे तब शायद आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग सकता है। एंड इसकी जो प्राइसिंग है दैट इज़ अराउंड 4000 जो कि मुझे जस्टिफाइड नहीं लगी। पिछले वाले का जो प्राइस था वो चलो समझ में आता है क्योंकि उसका ओवर लुक अच्छा था एंड उसकी जो फैब्रिक थी दैट वाज थिक एंड प्रीमियम। पर इस ओवरशर्ट के प्राइस के हिसाब से जो क्वालिटी है दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क। हाँ इसका स्टिचिंग पैटर्न मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा, स्वेटर्स को जैसे बुनकर बनाया जाता है इसका स्टिचिंग पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है एंड इसका फैब्रिक भी थोड़ा ज़्यादा थिक है अगर मैं इसे रिलैक्स फिट वाले ओवरशर्ट से कंपेयर करूँ। बट मुझे पर्सनली थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा, इसे मैंने गाइस ऑर्डर किया था एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में। तो अगर फ्यूचर में कभी इसका प्राइस ड्रॉप होता है 2000 या फिर 2500 के करीब देन आप सोच सकते हो इसे लेने की, अदरवाइज इट्स नॉट ओवर द परचेज। देन अगले टाइप का ओवरशर्ट है कॉर्डरोय ओवरशर्ट जो कि है रेगुलर फिट में। गाइस मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि कॉर्डरोय किसी फैब्रिक का नाम नहीं होता, इसका मतलब है ऐसे क्लोथिंग आइटम्स जिस पर लाइनिंग्स बने हुए होते हैं एंड जो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। कॉर्डरोय ओवरशर्ट्स का बेनिफिट यह है कि इसमें से एक बहुत ही रिच लुक आती है। सिंपली इसे आप कैजुअल आउटफिट्स में पेयर कर सकते हो बट क्लासी आउटफिट्स में ये और भी ज़्यादा अच्छे दिखेंगे, मतलब कार्गोस एंड स्नीकर्स के साथ ये अच्छे दिखेंगे पर उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छे दिखेंगे ये ट्राउजर्स एंड चेल्सी बूट्स के साथ। और इस वाले ओवरशर्ट में जैकेट जैसे ही जिपर्स दिए गए हैं जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। देखो यार अगर आपके एरिया में ठंड उतना ज़्यादा नहीं पड़ता एंड आपको कोई क्लासी टाइप का ओवरशर्ट अपने वार्डरोब में ऐड करना है देन ओनली गो फॉर इट। बट अगर आपके एरिया में ठंड थोड़ी ज़्यादा है तो फिर आप ले सकते हो वो पैडेड वाले ओवरशर्ट या फिर रिलैक्स फिट वाले ओवरशर्ट्स क्योंकि ये आपके एरिया में कोई काम नहीं आएंगे। डिटेल्स के बारे में अगर मैं बात करूँगा इस इट इज़ मेड फ्रॉम 100% कॉटन। उतना ज़्यादा थिकनेस नहीं है फैब्रिक में, एक मीडियम लेवल का थिकनेस है बट अंदर से बहुत ही कंफर्टेबल है। इसमें गाइस आपको और भी कुछ कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे बट ये जो फॉरेस्ट ग्रीन वाला शेड है ये मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। कॉर्डरोय में बेसिकली ब्लैक, ब्राउन एंड ग्रीन जैसे शेड्स ही सबसे ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। इसे गाइस मैंने ऑर्डर किया था स्मॉल साइज़ में एंड ओवरऑल फिटिंग एकदम परफेक्ट आया है। तो अगर लेने की सोच रहे हो वो थे रेगुलर साइज़। That's all for today guys. Thank you very much for watching this video. Agar helpful laga then please like, comment and subscribe. I will see you soon in the next one. Till then stay stylish, stay cool.